हाँ जी वाहिगुरु, एक इतिहास बारे तुहानू होर जाणू करवाउणे आ। ते जदों के गुरु महाराज जी उन्हां दे पुराने जन्म दे विच, ते गुरु तेग बहादुर जी दा जिहड़ा पिछला जन्मा सीगा उन्हां दा नाम सी समुंडर रिशी, ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नगीन रिशी। ते इह जो स्थान है ना हेमकुंट साहिब, ते जदों के देवतियां ते भारी पई आ पहलां, ते उदों दुर्गा माता दी चंडी माता जी ने उन्हां दी हैल्प कीती सी देवतियां दी, ते उस टाइम तो उन्होंने ठल पा दी सी। ते जिहड़ा राक्षस सीगा उहदा नाम सीगा रक्त फूल, ते उह जिथे जिथे उहदा खून डोलदा हुंदा सी उत्थे उत्थों राक्षस पैदा हो जांदे सीगे, पर उह सूत नहीं आउंदा सीगा कहिंदे। ते फिर गुरु अकाल महाराज जी ने दुर्गा माता जी दे अंदर ख्याल पाया भी तुसीं जाके इत्थे आओ, ते इत्थे उस टाइम गुरु तेग बहादुर महाराज जी अपने पुराने जामे दे विच इत्थे हुंदे सीगे। उस टाइम उह आए, उहनां तों अरदास बेनती कीती, ते फिर उदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी समुंडर ऋषि जी नाल चंडी माता जी उह दोनों गए आ, उन्हां ने उन्हां दा वध कीता उस टाइम राक्षस दा, राक्षस नूं वध करके देवतियां नूं उहदा संघासन वापस दवा के फिर इत्थे आ गए आपदी कृपान वापस, जिहड़ी चंडी सी इत्थे आ के धोती सी शमशीर आपदी वापस समुंडर ऋषि जी, सॉरी नगीन ऋषि जी। हांजी, ते बड़ा पुराना इतिहास आ, ते क्योंकि गुरबाणी दे विच चंडी दी वार दे विच इस बारे सारी गलबात दसी गई है, ते तुसीं पढ़िओ जरूर इतिहास उह चंडी दी वार, तुहानूं अपने आप उहदे विच पता लग जाणा। ते बाकी जे कोई गलती हो गई होवे तां मेरी माफ़ी करना, ते इह जो इतिहास आ इह सच ही नहीं है सारियां गल्लां जी, ते बड़ा कीमती इतिहास है जी साडा, क्योंकि एडियां एडियां ताकतां साडे आले दुआले रहिंदियां ने, ते बाकी तुसीं वध सकदे क्योंकि माता जी दा बड़ा वड्डा रोल है इस धरती दे उत्ते। असीं प्रणाम करदे हां जी, ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तुहाडे सारिआं ते तरस करनगे, अकाल महाराज जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।